प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे होंगे और बेहतर तैयारी चल रही होगी सभी की। इसी उम्मीद के साथ मैं स्वागत करता हूं अपनी मैथ की क्लास में, जहां हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। और ये तैयारी हम कर रहे हैं एक रियल टाइम की तरह, यानी फटाफट अंदाज में। साथ के साथ मैं आपको बता के चल रहा हूँ कुछ डिटेल में भी चीज़ों को। फिर भी आपको ज़्यादा डिटेल में भी चीज़ें चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियोस जो कंटेंट्स रिलेटेड हैं उनको आप देखेंगे तो वहाँ आप चीज़ें डिटेल में समझेंगे। तो अभी हम यहाँ शुरू कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन अपने, जो हमारे सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और इनको हम फटाफट तरीके से सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से ये क्वेश्चन हमको करने हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पर और इसी से हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, एक विक्रेता एक बैंक में कुछ राशि जमा कराई, पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 6% प्रतिवर्ष, अगले 3 वर्षों के लिए 9% प्रतिवर्ष तथा 6 वर्ष के बाद 10% प्रतिवर्ष और 9 वर्ष के अंत में विक्रेता को 1650 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो उसने कितनी राशि प्राप्त करी? तो बच्चों, 3-3 वर्ष का गैप है इसमें, यहीं से हम क्वेश्चन करेंगे। तो हम डायरेक्ट परसेंट निकालेंगे कि ब्याज कितना मिला। तो यहाँ देखेंगे पहले 3 वर्ष क्या मिला है, 6% की दर से। तो पहले कितना मिला, 6% की दर से ये ब्याज मिला। फिर कितना मिला, अगले 3 वर्ष मिला 9% की दर से, तो अगले 3 मिला 9% की दर से। और फिर उसके बाद 9 वर्ष के अंत तक लास्ट में मिला 10%, तो 10 की दर से फिर से 3 साल मिला, है ना, यही ब्याज मिला। तो टोटल ब्याज कितना हो गया, पहले 18, 27 और 30, सब मिलके हमारा हुआ 15 और ये 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 75%, यानी 75% उसको ब्याज मिल गया। अब यहीं से हम क्वेश्चन सीधा करेंगे, संख्या बटे जिसकी वैल्यू है और जिसकी निकालनी है। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है 1650, ये रुपए दिए हैं, ये ब्याज के हैं, जबकि ब्याज का परसेंट कितना था बच्चों, 75% था। और हमें निकालना है मूलधन, यानी 100 जमा की गई राशि। जमा की गई राशि हमेशा 100% होगी, जब भी बात परसेंट की होगी तो वो सीधा 100% काउंट होगी। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, बड़ा आसान है, 3 बार 4 बार और 3 से कट गया, 3 5 15, 3 5 15 0, ये गुणा हो जाएगी तो कितनी हो गई, 5 और 20 और 20 और 2 22 और ये 0। कहाँ है ऑप्शन हमारा, ये रहा थर्ड वन। तो चीज़ें समझ में आई, पहले हमने सारा परसेंट निकाल लिया कि टोटल परसेंट कितना हुआ, 3 वर्ष का 3 वर्ष का और 3 वर्ष का, वो टोटल परसेंट 1650 के बराबर है, तो उसके बटे कर दिया और जिसकी वैल्यू है वो हमें ज्ञात कर ली, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चनों में करते आए हैं। तो अब आगे आते हैं बिना देर करें, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 120 रुपये में 3 किलो चीनी कम खरीद पाता है, चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य। अब देखो, सोचने से हम कैसे कर सकते हैं और फिर मैं डायरेक्ट ट्रिक भी आपको इसकी बताऊंगा, बात वही है। तो फिर से समझते हैं, 120 रुपये लेके गया तो क्या मिला उसे, मूल्य बढ़ गया, मूल्य बढ़ गया तो 3 किलो चीनी कमाई। अब जितना मूल्य बढ़ाया, अगर उतने ही रुपए फालतू लाया होता, जितना भी मूल्य बढ़ा उतने ही रुपए वो लेके आता, तो चीनी पूरी आती, यानी जो चीनी 3 किलो कमाई है वो कम नहीं आती। तो कितनी वृद्धि हुई है, 20%। तो ये 20% यदि अधिक लाता तो 120 का 20% अधिक, 20% अधिक रुपये और लाता तो 3 किलो जो चीनी थी अधिक वो मिल जाती। तो इसका 20% कैसे निकलेगा, 20/100, यानी उसको कितने रुपए अधिक लाने थे, ये दोनों 0 कट गए, 12 × 2 = 24 रुपये अधिक लाने थे, ठीक है। तो बच्चों, उसे 24 रुपये अधिक लाने थे क्योंकि 20% बढ़ चुका था, तो 20% ही रुपये अधिक लाता, तो उसे जो कम मिली है वो कम नहीं मिलती, यानी वो 3 किलो चीनी भी मिलती, कब, अब। तो 3 का भाग दे देंगे 8, यही आंसर हो गया, 24 रुपये में कितनी मिलती, 3 किलो चीनी मिलती, तो 1 किलो का रेट हो गया 8। तो ये चीज़ समझ में आई, बड़ा आसान है।
आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वृद्धि हुई हो या कमी हुई हो। कभी कहेगा कि कमी होने के कारण अधिक आएगा सामान और बढ़ने के कारण कम आएगा सामान। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जो हमारा नया मूल्य होगा, नया मूल्य तो नया मूल्य क्या होगा, जो भी आपको रुपए दिए हैं इनटू जो भी आपको परसेंट दिए है, चाहे वृद्धि हो या कमी हो, बटे वस्तु जितनी भी है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, वो और ये परसेंट हटेगा तो बटे में 100। बस तो ये चीज़ आप फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट हो जाएगा। वो समझने के लिए था, और डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो, रुपए इंटू परसेंटेज बटे वस्तु गुणा 100, रुपए गुणा परसेंट बटे वस्तु गुणा 100 नया मूल्य। तो ये नया मूल्य हमारा निकल के आ जाएगा। इसी तरह से रुपए थे हमारे 120, परसेंट था 20, बटे वस्तु थी 3 किलो और ये 100, तो ये दोनों 0 कट गए और ये 3 से कट गया, 4 बार 4 दुनिया 8 आंसर हो गया। ये 8 हमेशा क्या होगा, नया मूल्य। तो चीजें आपको समझ में आ गई। अब ये दोनों में ही काम करेगा, वृद्धि और कमी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यदि एक व्यापारी वस्तु के मूल्य को इसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और 30% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कर लेते हैं भाई, वस्तु का क्रय मूल्य तो 100 ही होता है ना, कई बार मैं कह चुका हूं, परसेंट का जिक्र है, 100 रहेगा मूल्य, क्रय मूल्य 100 रहेगा। तो अंकित मूल्य बढ़ा के लिखा है, कितना बढ़ा के लिखा है, 60%, तो बढ़ा दो आप भी 60, ये बढ़ा दिया जी 60, है ना। ऐसे क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर लेंगे, ये नहीं कि इनको फ्रैक्शन बनाओ, सीधे 100 से कर दो, बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो 60 बढ़ा दिया, अब छूट जो मिलेगी वो इस अंकित मूल्य पर मिलेगी, इस पर 30% छूट निकालते हैं। तो 160 का 30% क्या होता है, 10% 16 होगा भाई, 10% 16 होगा तो 30% 16 दून 32 16 38 होगा। आप अलग से भी निकाल सकते हो, 160 का 30% बटे 100, है ना, यही होगा ना, 16 38 48। तो इतने की दे दी छूट, कितना बचा, ये 2, ये 1 बचा, 112। तो 100 की वस्तु कितने की हो गई, 100 की वस्तु हो गई 112 की, इसका मतलब 12% का लाभ हो गया। 100 से कम हो जाती तो हम हानि कह देते, अधिक हो गया तो लाभ हो गया। तो ये चीज़ें समझ में आई आपको, परसेंट निकालना हम 10, 20, 30% हो तो पहले सीधी 10% वैल्यू निकाल लें, फिर 20, 30, 40 जो भी कहा है वो कर लें, ये ज़्यादा आसान होता है। और 10% निकालना बड़ा आसान है, या तो पॉइंट 1 अंक खिसका दो या 1 0 उड़ा दो, 0 उड़ाई 10% आ गया। तो आंसर हो गया हमारा फर्स्ट 12%। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, एक भुजा 11 सेंटीमीटर है तथा दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर 3 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अच्छा, तीनों परिमाप क्या होता है, परिमाप तो तीनों भुजाओं का योग होता है ना, ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है परिमाप। तो यदि ए प्लस बी प्लस सी 40 है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 40, तो ए प्लस बी एक भुजा हटा दें 11, 40 माइनस 11 तो कितना हुआ है 29, ए और बी का योग होगा 29, और ए माइनस बी कितना दिया है 3, तो हम ए और बी निकाल सकते हैं, एक भुजा 11 है, दो भुजा और निकालनी है। अब या तो किससे निकाल लें हम, इक्वेशन के तरीके से, या मैंने एक और बताया था, योग और अंतर जब भी हमारे पास हो, अंतर हमारे पास था 40 में से 11 गए 29, ये योग हो गया, तो एक बार दोनों को जोड़ के बटे दो कर दें, एक बार दोनों को घटा के बटे दो कर दें, तो ये हो गया हमारे पास 32 यानी 16, और ये रह गया 26 यानी कि 13। तो एक हो गया 16, एक 13 और एक क्या हो गई 11, ये तीनों भुजा निकल गई। अब तीनों भुजा निकल गई तो अब तो आप क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे ना। क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी है, जल्दी से हम इसको ऑप्शन से भी नहीं कर पाएंगे, तो आप ये बस भुजा निकाल के फटाफट फॉर्मूले में रखेंगे। कौन से फॉर्मूले में, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी में, ठीक है।
अब यहाँ हम इसको डिटेल में नहीं करने वाले हैं, एस आपको पता है, एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे दो। इसको एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप। एस को क्या बोलते हैं बच्चे? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा। तो अब यही हम रख लेंगे, तो परिमाप हमारा कितना है 20 40, तो अर्ध परिमाप कितना हो गया 20। अच्छा तो अब अंडर रूट में सॉल्व करेंगे 20, और 20 में से सबसे पहले 16 गए तो कितने बचे 4, फिर 20 में से 13 गए तो कितने बचे 7, और 20 में से 11 गए तो कितने बचे 9। ठीक है, अब देखो ये 4 से 2 बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, है ना। और 20 को भी क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 5। 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 5, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, ये 4 बाहर आएगा 2, ये 4 बाहर आएगा 2, और ये 9 बाहर आएगा तो 3। अंदर क्या बच जाएगा, 5 गुना 7, तो 2 दूनी 4 दिया 12, और 7 मन्ना 35। अंडर रूट 35 बेहद आसान क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं कहूँगा मैं बेहद आसान है, चीज़ें आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि रूट का क्वेश्चन है, तो रूट में जल्दी से अंदाज़ा भी नहीं लगता, लेकिन एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं जो आपको, कुछ क्वेश्चन 10 सेकंड में और 20 सेकंड में होते हैं, और कुछ क्वेश्चन 1 मिनट का भी समय लेते हैं, 1.5 मिनट का भी समय लेते हैं। आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप इसको जल्दी कर पाएंगे। तो आप ये चीज़ें समझ रहे हैं कि किस तरह से दो योग और अंतर दिए हों, तो दोनों को बटे दो करके एक बार योग प्लस अंतर बटे दो, योग माइनस अंतर बटे दो, फटाफट आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप फॉर्मूला लगा लेंगे क्षेत्रफल का। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझोगे, ये चीज़ें मैं पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, वहाँ से भी आप यदि नहीं देखी हैं तो आप उनको देख लीजिए, और देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत कर लीजिए, जिससे आप की तैयारी बेहतर हो। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। दो रेलगाड़ी P और Q स्टेशन एक्स वाई से एक दूसरे की तरफ चलना आरंभ करती हैं, रेलगाड़ी मिलने के बाद Y मिलने के बाद, है ना, मिलने के पश्चात Y और X स्टेशन पर पहुंचने में क्रम से 5 घंटे और 4 घंटे 3 मिनट का समय लेती है। रेलगाड़ी P की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो Q की गति ज्ञात करनी है। तो हमने एक चीज़ पढ़ा है कि चाल, यदि किसी की चाल x और y है, ठीक है, तो समय क्या होता है, y अनुपात x, ठीक है। ऐसा ही यदि हमें समय दिया है तो हम चाल पलट देते हैं, ठीक है। अगर समय दिया है, क्या दिया है, t1 t2, तो चाल क्या हो जाएगी, t2 ratio t1, इस रेशियो में हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है मिलने के बाद, मिलने के पश्चात, मिलने के बाद जब भी कभी समय दिया हो, समय हमको दिया है t1 t2, तो हमारी चाल किस कैसे होगी, t2 अंडर रूट में और t1 भी अंडर रूट में, अंडर रूट में इसका अनुपात होगा, ठीक है। यानी पलटिंग और रिवर्स भी करेंगे, पलटेंगे भी और रूट भी करेंगे, ये करना है जब भी वो मिलने के बाद कह दे। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ याद रखोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब देखते हैं फटाफट क्या है। तो सबसे पहला दिया था 54, अब इसको फटाक से पलट लेते हैं, 4 घंटे और 5 मिनट, भाई एक्स को समय लगता था 5 घंटे और वाई को समय लगता है 4 घंटे 3 मिनट, तो वाई का पलट देंगे, ऊपर कर देंगे, वाई का कर देंगे 4 घंटे 3 मिनट ऊपर, 4 घंटे 3 मिनट, और एक्स का कर देंगे बटे में 5 घंटे। समझ रहे हैं नहीं, पलट के करनी है वैल्यू, बस इन दोनों को अंडर रूट करना है, रेशियो निकालना है। तो इसको हम कर लेंगे, मिनट में बदल लेंगे, सभी को एक सी राशि कर लेंगे। तो 4 घंटे में हो गई 6 चौक 24 240, और 3 243 मिनट, और 5 घंटे में हो गई 300 मिनट। इसका आप अंडर रूट कर देंगे, ये कट रहा है 3 से 3 8 24 3 1 3, और ये 100, तो अंडर रूट ये हो गया 9 और ये हो गया 10। तो इनका रेशियो क्या हो गया, इनका रेशियो हो गया 9:10। अब 9 पॉइंट की वैल्यू कितनी दी है,
तो हमारा जो एक्स और वाई का रेशियो आया वो 9:10 आया। ठीक है बच्चों, 9 की वैल्यू कितनी दी है 54, 6 की गुणा कर रखी है इसने, 6 की गुणा कर रखी है, आप भी 6 की गुणा कर दो तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 60। इस तरह से रेशियो करते हैं, इसने 6 की गुणा कर रखी है 9×54, तो आप भी 6 की गुणा कर देंगे 10×60, और आंसर हो गया हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज़ें समझ में आई, आप इनको एक बार जरूर लिख के करोगे, अपनी तरफ से करोगे, तब अच्छे से समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं, दो लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, 4 वर्ष बाद 7:9 हो जाएगा, तो 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है तो बच्चों बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन, बेहद आसानी से हो जाते हैं। आपको समझना क्या है कि जैसा अंतर ऊपर है ऐसा ही अंतर बाद में होना चाहिए। देखो ऊपर 2 पॉइंट का अंतर है, नीचे भी 2 पॉइंट का अंतर, क्यों? क्योंकि एज में जो अंतर एक बार होता है वही आगे तक भी रहता है, बदलता नहीं है अंतर। आज कोई मुझसे 4 साल छोटा है तो वो आने वाले 10 साल बाद भी मुझसे 4 साल छोटा ही रहेगा, तो अंतर समान होना चाहिए। अंतर समान होने के बाद आप लगाओगे ये कंडीशन इसके 4 वर्ष बाद दी है, देखो कितना जोड़ रखा है 2, यहाँ भी कितना जोड़ रखा है 2, यानी कि 2 पॉइंट की वैल्यू 4 वर्ष। ठीक है जी, 2 पॉइंट की वैल्यू 4 वर्ष, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई 2 वर्ष, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 2 वर्ष आ गई, यानी 5×10 वर्ष इसकी हो गई और 7×14 वर्ष इसकी हो गई। अब पूछ क्या रहा है, 14 वर्ष बाद अनुपात ज्ञात करो। अभी मुझको पता लग गया 10 और 14 हैं, लेकिन वो 14 वर्ष बाद पूछ रहा है तो दोनों में आप 14×14 जोड़ देंगे, ये 24 हो गया और ये 14×28 हो गया। ठीक है तो ये कट के कितना आ गया 7×4 = 28 और ये 6×6=24 और 6×7=28, 6×6=24 और 4×7=28, 4 से काट लिए दोनों, तो 6×7 हो गया। कहाँ ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन पर नज़र चली गई, तब तक ही क्या है कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो आपको कैलकुलेशन करनी है। हालांकि ऑप्शन पर नज़र रखनी चाहिए एक, क्योंकि कई बार क्या होता है हम सवाल कर रहे होते हैं और बीच में हमें पता लग जाता है ये आंसर आने वाला है, तो ऑप्शन ज़रूर देख लिया करें पहले, और कई तो क्वेश्चन ही सीधे ऑप्शन से होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसी में हम सी डी ई मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, सी की क्षमता डी से दुगुनी है तथा ई की क्षमता डी की 3 गुनी है, ई अकेला इस कार्य को कितने दिन लेगा। ठीक है बच्चों, सी डी और ई तीनों मिलके 12 दिन में करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सी की क्षमता डी से दे रखी है और ई की क्षमता भी डी से दे रखी है, तो पहले डी को मान लेना कि डी की क्षमता कितनी होगी, डी की मान लेते हैं, तो सी की कितनी हो गई दुगुनी ना 2, और ई की कितनी हो गई इससे 3 गुनी यानी 3, तो हमको तीनों की क्षमता निकल गई। ठीक है अब बच्चों ध्यान क्या रखना है कि ये जो क्षमता होती है ये ही क्या होता है प्रतिदिन का कार्य, क्षमता ही क्या होती है प्रतिदिन का कार्य, यानी सी 2 करता है, डी 1 करता है, ई 3 करता है, तो तीनों मिलके कितना करते हैं 2+1+3, ये तीनों मिलके करते हैं और तीनों कितने दिन में काम करते हैं 12 दिन में, ये कर दी 12 की गुणा, तो 2 और 1 3 और 3 6, 6 × 12 = 72, ये हो गया हमारा टोटल कार्य। कुछ टीचर आपको कराएंगे कि क्षमता को पलटो और फिर दिन निकालो, नहीं आप ऐसे करोगे ये ज़्यादा बेटर है, आप याद रखो क्षमता ही प्रतिदिन वर्क होती है, फिर हमें अलग से नहीं निकालने की ज़रूरत। जब पर डे ये 2 करता है, 1 करता है, 3 करता है, तो हमने तीनों का निकाला और 12 दिन में करते हैं तो 12 दिन उनसे काम करा दिया यानी 12 की गुणा कर दी, 72 आ गया, ये हमारा कुल कार्य हो गया। अब पूछा क्या हमसे ई कितना समय लेगा, तो 72 कार्य है और ई कितना करता है 3×3 करके इसको लगेंगे 24 दिन, 24×3=72, कहाँ है ऑप्शन, ये रहा, तो ये ही हमारा ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से ये चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाएंगी, फिर भी आपको कोई क्वेरी है रहती है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछें, हमारी लाइव क्लास लें, लाइव भी हम आपको कराएंगे, जो भी प्रॉब्लम होंगी वो सभी हम आपको लाइव सॉल्व कराएंगे। लाइव क्लासें हमारी ऐप के थ्रू ही चलेंगी और ऐप पर ही क्लासें आपको मिलेंगी।
तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और लाइक्स कीजिए, इन्हीं से हमको मोटिवेशनल मिलेगा। तो इस तरह से अभी के लिए क्लास इतनी ही, आगे अगली क्लास में फिर मिलेंगे कुछ अलग क्वेश्चनों के साथ, कुछ अच्छी अच्छी ट्रिकों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय, और आप अपनी तैयारी इसी तरह जारी रखिए। थैंक यू।